तो भाई साहब आपने फिल्म मेकिंग की दुनिया में देखा होगा, बड़े बड़े मॉनिटर यूज होते हैं फिल्मों को बनाने में, उनमें बड़े बड़े फैंसी फैंसी फीचर्स होते हैं, जैसे कि फोकस पीकिंग का फीचर यूज आता है, लट्स ऐड करने का होता है, फोकस पुलर का फीचर होता है। बट एक प्रॉब्लम है, ये सारे जो फीचर्स है ना, ये आते ही बड़े महंगे महंगे 30-40 हज़ार रुपए लग जाते हैं। लेकिन भाई हमने तो सारे पैसे जो है ना अपने इस कैमरे में लगा दिए, अब हमारे पास पैसे बचे नहीं। बट अगर मैं आपसे बोलूं वही 30-40 हज़ार रुपए वाले फीचर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में ला के दूं, और सबसे मजे की बात वो सारे फीचर आपकी जेब में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करेंगे? क्या आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? क्या पीटर मैकेनन के चैनल पे जाके मेरा चैनल का नाम कमेंट करेंगे? तो यस, आप जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये है मेरा 500 रुपए का सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिग जो कि आपको मिल जाता है 500 रुपए में। तो भाई ये है मेरा 500 रुपए का प्रोफेशनल रिग, ऐसा लगता है इसे पकड़ के कि जैसे मार्केट में कोई प्रोफेशनल शूटर आया है। अब ये वाला जो माउंट है ना वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 350 रुपए में मिल जाता है। आपको बस ये परचेज करना है, आपको अपना फोन यूज करना है। मैंने आईफोन 13 प्रो लगाया हुआ है, बट आप अपना एंड्रॉइड फोन भी यूज कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं उस ऐप की जो कि आपको ये सारे 30-40 हज़ार रुपए वाले फीचर दे सकता है। सो लेट्स जंप इनटू द ऐप। So the app is called Monitor Plus and it gives you all the features that a professional monitor gives, like focus peaking and all, जो 40,000 वाले features हैं। तो इस app को हम open करते हैं, start करते हैं। तो ये app जो आपको Android और iOS में दोनों में मिल जाएगा। तो Monitor Plus मैंने already on कर रखा है यहाँ पे। तो as you can see मेरे यहाँ पे A7 Mark IV जो है डिटेक्ट हो रहा है, जो कि जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से पेयर करना स्टार्ट करता हूँ एंड टेंटना वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा फ्रेम जो है बहुत क्लियरली दिख रहा है। इस ऐप को अपने कैमरे से कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहले या तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरे को अपने मोबाइल से, जब वो कनेक्ट हो जाता है आप सिंपली इस ऐप में एंटर करिए और ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है, फिर आप पेयर कर सकते हैं। कई बार जो है कि ना आपका अगर वाईफाई भी ऑन होगा तो वो भी डिटेक्ट कर लेता और वहाँ पे आप जो है इसे इजिली पेयर कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स के बारे में मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, आई होप कि आपको लोगों को पता होगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपने सोनी का इमेजिंग ऐप जो है यूज करा होगा तो वैसी कुछ प्रोसेस है। लेटेंसी देख सकते हैं, लेटेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, मैं अभी सामने बोल रहा हूँ और इतना चल रहा है। एंड सबसे मजे की बात यह, अगर आप इसे वायर लगा के जो है ना यूज करेंगे अपने कैमरे के ऊपर ना, तो लेटेंसी जीरो हो जाती है एकदम। एंड स्पेशली अगर आप एंड्रॉयड यूजर है ना, तो वायर से बहुत ही ज्यादा आपको इससे अच्छे कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फीचर की, तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। एज यू कैन सी ओवर द टॉप यू कैन सी ऑल द सेटिंग्स लाइक शटर स्पीड एंड देन यू हैव द एपर्चर, देन यू हैव द ISO, और उसके बाद बहुत सारे फीचर है, वाइट बैलेंस भी है आपको देखने को मिल जाता है, फोकस देखने को मिल जाता है, कंटिन्यूस और मैनुअल फोकस आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फोकस एरिया भी सिलेक्ट करने को मिल जाता है, मतलब वो सारे आप फीचर था। अब हाँ मैं आपको शायद से बताना भूल गया, ये सारे फीचर फ्री हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। ठीक है, एंड वन ऑफ द मेन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस ऐप एंड दैट कम्स फॉर फ्री इज द पिक्चर प्रोफाइल। एज यू कैन सी यहाँ पे पिक्चर प्रोफाइल लिखा आ रहा है, अभी PP7 में शूट कर रहे हैं, S-Log 2 में, तो वो भी पता लग रहा है। तो ये सारे फीचर्स हो गए, आपको फ्री में पता लग जाता है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो चेंज योर लाइक सेटिंग्स, 4K में शूट कर सकते हो, 1080p में भी, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब ये सारे फीचर्स जो है ना 30-40 हज़ार के मॉनिटर में आते हैं, बट इस मॉनिटर ऐप में ना आपको सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपीज देने हैं। ठीक है, इसमें आपको सारे प्रो फीचर्स मिल जाएंगे जो कि उन वाले मॉनिटर्स में होते हैं। अब हम बात करते हैं उन्हीं कुछ प्रो फीचर्स के बारे में। तो पहला इसमें प्रो फीचर है, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप तो उससे भी फ्री से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे फीचर्स लॉक हो जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं भाई साहब इस वाले फीचर की। ठीक है, तो ये है ज़ीब्रा। ज़ीब्रा से आपको ये पता लगता है कि कौन सा पार्ट आपका ओवर एक्सपोज है। लेट्स सपोज इफ यू आर शूटिंग आउटसाइड, तो वो इजीली देखने को मिल जाता है, मतलब ये सोनी के कैमरे के मॉनिटर में दिखता है, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, वो भी वायरलेसली। ठीक है, उसके बाद अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट फीचर मिलता है ग्रिड का। ग्रिड इज टू सिंपल, आपको कैमरे में भी देखने को मिल जाती है, इसमें भी देखने को मिल जाती है, अगर आपको अपनी कॉम्पोजिशन लॉक करनी है, अच्छे से सेट करनी है तो। एंड ये थर्ड फीचर इज काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग ब्रो, मतलब इसमें जो आपको फोकस पीकिंग का फीचर मिल जाता है, मतलब फोकस पीकिंग वायरलेसली, आई कैन सी दैट व्हाट इज इन फोकस। तो आपको ये फीचर जो इनबिल्ट कैमरा में मिलता है, रेड तरीके की लाइन आती है जो एरिया फोकस में है, वो मुझे देखने को मिल जाता है और मैं फोकस में हूँ अच्छे से एकदम मस्त। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फीचर है वेव फॉर्म का, जो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपने देखा होगा जो कलर ग्रेडिंग करता है ना, कि कौन सा पार्ट कितना हाईलाइट में जा रहा है, कितना जा आपका शेडो में जा रहा है, तो सारा इजीली देखने को मिल जाता है। और ये जेन्युइनली बताऊं ना, ये फीचर देख के मैं शॉक ही हो गया था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कोई कि वायरलेसली आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, और ये है मेरा फेवरेट फीचर, मतलब भाई
ये फीचर जो है ना, आप इसमें लट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब लट्स ऐड करने एक तो नेक्स्ट लेवल गेम हो गया। पहली बात तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, मैं S-Log 2 में शूट कर रहा हूँ, तो एज यू कैन सी द फुटेज लुक्स वेरी वेरी रॉ, ठीक है, इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं हुई है, वो इसमें दिख रहा है रियल टाइम में। बट अगर मैं इस वाले बटन को टैप करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि Rec 709 का लट अप्लाई हो गया और मैं कलरफुल दिख रहा हूँ एकदम मस्त, ठीक है। मुझे पता लग रहा है कि इफ आई एम गोइंग टू एडिट दिस वीडियो तो मेरे कलर्स कैसे दिखने वाले हैं। एंड एक चीज आपको इतनी प्यारी बताने वाला हूँ ना, इसमें आप अपने लट्स ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इसमें मैंने अपना Rec 709 वाला जो कन्वर्जन लट जो ऐड कर रखा है, तभी ये मुझे देख पा रहा है। तो लट्स ऐड करने के लिए आपको सिंपली होल्ड करना है इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे मेरा लट ऑलरेडी ऐड है, बट आपको अगर ऐड करना है तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप व्हाट्सएप के थ्रू जो अपने ट्यूब फाइल को जो भेज सकते हैं, भेजने के बाद आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, उसे ओपन विद करना है मॉनिटर प्लस ऐप, एंड आपका लट जो है लोड हो जाएगा इस ऐप के अंदर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आपको अब हम बैक करते हैं, अब हम कुछ और फॉर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले फीचर की। तो भाई आपने देखा होगा जब आप ग्रेड करते हो ना ल्यूमेट्री कलर पैनल में, तो आपको ये तीनों ग्राफ देखने को मिल जाते हैं कि आपकी कलर कौन सी साइड को जा रहे हैं। हो सकता है आपकी स्किन टोन येलो को जा रही हो, बट एज आई कैन सी अभी रेड और येलो के बीच में, विच मीन्स ऑरेंज साइड पे। पहले अपना लट्स ट्राइड कर लेते हैं, मस्त दिखेगा ना फिर। तो अभी मुझे ये सब देखने को इजीली मिल जाते हैं, इंटरस्पेक्टिव बोलते हैं इसे। अब हम लोग बात करते हैं एक फाड़ फीचर की, जो कि शायद से आपने शायद से बड़े बड़े मॉनिटर में भी नहीं देखा होगा। इसे बोलते हैं डी स्क्वीजिंग, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अच्छे से काम नहीं करता, बट स्टिल आपको पता लग जाता है कि एनामोर्फिक मोड जब हम यूज़ करते हैं तो कैसा लगता है वो। तो इसे अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये वाला जो फीचर है ना, ये तो मतलब आपको बड़े बड़े मॉनिटर तक में नहीं मिल जाता। आपने फोकस पुलर सुना है क्या? फोकस पुलर वही होता है जब मूवी को हम कोई भी शूट कर रहे होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स और बड़े बड़े कमर्शियल, तो उसमें एक अलग से बंदा असाइन करा जाता है जो कि आपको फोकस करता है, उसे बोलते हैं फोकस पुलर। आपको वो फीचर भी इसके अंदर मिला है, उसे अप्लाई करने के लिए बस आपको इस पर यहाँ पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद जो है आपको अपना फोकस जो सेट करना है मैनुअल पे। अब हो सकता है कि मैं ब्लर हो जाऊं, ठीक है, तो वो ध्यान से देखना आप। ये देखो मैं ब्लर हो चुका हूँ, आपको देखो भाई अन बाइक का क्या हो गया, फोकस भी अच्छा नहीं कर पा रही क्या? तो इसमें अब मैं मैनुअली एडजस्ट कर रहा हूँ अपना फोकस। आई एम नाउ आई एम ट्राइंग टू गेस कि विच इज द राइट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखते हैं, नहीं 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 बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ओ आई थिंक दिस शुड बी इनफ, दिस इज इनफ, एंड मैंने भी मैनुअली फोकस कर लिया इस कैमरे के थ्रू, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ईजिली कर लिया, फोकस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है भाई, मतलब वायरलेसली आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अभी के लिए ऑफ कर देते भाई, मुझे मैनुअल फोकस पे नहीं जाना। तो ये सब भी आप कर सकते हो इस ऐप से, ठीक है। आगे के और फीचर्स हैं, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। लाइक आप इसमें क्रोमा की ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो क्रोमा का फीचर है, ओवरले का फीचर है, आप अपना कोई भी ओवरले डाल सकते हैं। तो ये देख लो मेरी फोटो देख लो आप बाइसेप्स वाली, तो ये मैंने इसी से ओवरले ऐड करा है। आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट इन माय ओपिनियन दिस ऐप वर्क्स वेरी वेल, ठीक है। वायरलेसली सारे वो फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको जो एक अच्छे प्रोफेशनल मॉनिटर से मिलते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। ये सारे फीचर्स है दैट यू गेट आउट ऑफ दिस ऐप इन जस्ट 1700 रुपीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, मेक श्योर यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि शूट करते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, जो अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब, और मैंने पीटर मैकिनन को कमेंट करने के लिए बोला था उसके चैनल पर जाकर, करा गया आपने? नहीं करा तो कर देना, नहीं करा तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ तो कर देना। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, पीस आउट, बाय।